गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुराग शिक्षा के प्रसार यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग पिछली कक्षा में हम लोग S1 ब्लॉक का देखे थे, आज हम लोग देखेंगे S2 ब्लॉक का, सारे एलिमेंट्स को देखेंगे और उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे पूरी तरीके से, धीरे धीरे करके हम लोग पूरे पार्ट को एक एक करके देखेंगे। इसलिए आप लोग अपना पेशेंस बना के रखिए और थोड़ा थोड़ा करके आप देखते जाएंगे तो पूरा का पूरा आपको तत्व याद होता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या है ये आवर्त सारणी, जैसा कि हम लोग कर रहे थे पीरियाडिक टेबल बोलते हैं ना इसी को, पीरियाडिक टेबल आवर्त सारणी, ठीक है। तो इसी का हम लोग दूसरा चीज़ देखने जा रहे हैं। पहला हम लोगों ने क्या देखा, S1 के टॉपिक देखे आप लोगों को, जिसमें हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने क्या देखा पिछली कक्षा में, S1 ग्रुप का एलिमेंट यानी तत्व, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। अब इस S1 ब्लॉक के, ग्रुप के या ब्लॉक के कहिए, तो उसमें क्या बोला, क्या देखा हम लोगों ने, एलिमेंट देखा, जिसमें हम लोगों ने ट्रिक देखा था कि है लीना, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, ये देखा था हम लोगों ने किसमें, S1 ब्लॉक में। अब हम लोग देखेंगे S2 ब्लॉक में, ब्लॉक या ग्रुप में, S2 ब्लॉक या ग्रुप में का तत्व। अब इसमें आप लोगों ने देखा था कि H, इसको हम लोगों ने पिछले कक्षा में पूरा देख लिया था, इसके लिए मैं इस पे डिस्कस नहीं करता हूँ, ठीक है। आप लोग उस पर पिछली वाली वीडियो पे जाके देख लीजिएगा, उसमें पूरा चीज़ दिया हुआ है। अब S2 ब्लॉक पे हम लोग देख लेते हैं कि S2 ब्लॉक में तत्व में क्या हम लोगों ने देखा था, देखेंगे तो ये इसकी ट्रिक होगी आपकी, क्या ट्रिक होगी, बेटा मांगे काला शर्ट, बाप राजी, ठीक है, बेटा मांगे काला शर्ट, बाप राजी, ये था आपका दूसरा टू S2 ब्लॉक का जो एलिमेंट तत्व है उनके बारे में था। तो अब इसमें है क्या क्या, तो बेटा से आप लोग देखेंगे BE बनेगा, ठीक है, बेटे से BE बन गया, मांगे से क्या होगा, MG हो गया, यानी कि ये हो गया आपका बेरिलियम, ये हो गया मैग्नीशियम, काला से क्या हो गया, काला से हो गया CA यानी कि का ले लिया इसका, तो काला हो गया, काला का मतलब हमने क्या बोला इसको, कैल्शियम बोल दिए, और सल्ट मतलब SR हो गया, सल्ट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, एस्टाइसियम बोलते हैं SR से, ठीक है, एस्टाइसियम, और बाप का मतलब क्या हो गया, BA हो गया, BA को क्या बोलते हैं, बेरिलियम बोलते हैं, राइट, और राजी को हम लोग देखेंगे RA से, तो इसका क्या हो गया, रेडियम हो गया, क्या हो गया, रेडियम। अगर इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया बेरिलियम ठीक है, ये हो गया बेरिलियम, ये हो गया आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये क्या हो गया आपका, ये हो गया कैल्शियम, ये हो गया कैल्शियम, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका स्टाइसियम हो गया, ठीक है, स्टाइसियम हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बेरियम, और ये क्या हो गया आपका,
ये हो गया आपका रेडियम। ठीक है, तो ये इन इन सभी तत्वों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बेटा मांगे इसका ट्रिक क्या होता है। ये है, ये क्या है, ये है आपका ट्रिक, ये ट्रिक है किसका, H2 ब्लॉक का या H2 ग्रुप के तत्वों का जो ट्रिक होगा वो क्या होगा, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। और S1 ग्रुप के तत्वों के ट्रिक क्या होगा, ये होगा ट्रिक, याद करने के लिए ट्रिक होगा, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। ये दोनों तत्वों को आप लोग याद रखिएगा तो आपके S1 और S2 ग्रुप के सभी तत्वों के नाम आपको याद रहेंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को ये तत्व याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं स्पेन, ये जो हम लोगों ने दिखाया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टाइसियम, बेरिलियम और रेडियम, इनको हम लोगों अच्छे से डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, ओके, तो इसको मैं रफ कर दूँ और रफ नहीं यहाँ से रख कर इसको लिख लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे एक जो ग्रुप होता है किस तरीके से ग्रुप होता है वो आप लोग यहाँ पे जानते ही हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा ही था पहले। ये हो गया, ये कौन सा ग्रुप होता है, ये होता है सेकेंड ए ग्रुप या इसी को सेकेंड ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड ए ग्रुप या ए सेकेंड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे पहला जो कक्षक हुआ इस ग्रुप का पहला एलिमेंट क्या होगा, तो वो होगा बेरिलियम, बी ई से दिखाते हैं ना, बेरिलियम। और फिर दूसरा तत्व तो क्या हो गया, एम जी यानी मैग्नीशियम। ये हो गया अगला तत्व, तो है आपका काला से बना सी ए, तो सी ए कैल्शियम। ये हो गया कैल्शियम, हो गया ये वाला। और फिर उसके बाद साल्ट से बना एस आर, ये क्या हो गया, स्टाइसियम हो गया। अगला है बाफ हो गया, ये क्या है, बेरिलियम है। और लास्ट में आपका बचता है क्या, रेडियम, यानी कि राजी मतलब बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। आर ए से क्या बना, रेडियम को क्या बोलते हैं, आर ए। ठीक है, ये हो गया। तो इसको अब हम लोग इसको रफ करते हैं और इसके बारे में डीप रूप से देखते हैं कि उनके तत्व क्या थे, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या थे, उनके नाम क्या रहेंगे, सारी चीज़ें हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखेंगे इसमें। पहले वाला है हमारा बेरिलियम, बी ई से हम लोग देखते हैं इसको, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 4 होता है। भार होगा वो कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि तत्व के नाम और क्या देखेंगे, तत्व के नाम देखेंगे, परमाणु क्रमांक देखेंगे और क्या देखेंगे, परमाणु भार देखेंगे, इसमें इस तत्व का प्रतीक क्या होता है, यानी कि तत्व का प्रतीक, और क्या देखेंगे, तत्व की खोज किसने और किस सन में की थी ये देखेंगे। और लास्ट में बचेगा कि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे इस में। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसमें, देखते हैं, इसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी हमको,
ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये सिंबल पे दिया रहता है, जब भी आप कहीं पे भी देखेंगे तो किसी भी बुक या कॉपी में या कहीं पे भी, तो अगर उसका लिखा हुआ ग्रुप होता है कि किस तरीके से लिखा जाएगा तो इसी तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, ये दो तीन तरीक़ों से लिखा जाता है, एक इस तरीके से भी होता है जैसे BE4 और यहाँ पे 9 हो जाता है, इस तरीके से भी होता है, और एक इस तरीके से भी होता है BE4 और 9 इस तरीके से भी होता है। तो लिखने का तरीका कोई भी हो, लेकिन हम लोग जो भी रहेगा क्रमांक जो रहेगा हमेशा नीचे साइड में रहेगा, ये देखिए नीचे साइड में, और भार जो रहेगा वो ऊपर साइड में रहेगा, ठीक है। कहते हैं क्रम जो चलने वाला क्रम होता है वो क्या होता है, पैरों से चला जाता है ना। क्रम जो होता है किससे होता है, पैरों से होता है, और जो उस पर किसी के सिर पे रखा हुआ कोई भी चीज़ हो तो क्या होता है, भार होता है। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं कि भार जो होगा वो ऊपर होगा, और पैरों से जो चल रहे होते हैं हम लोग उसी को हम लोग क्रम बोल देते हैं। तो मतलब कोई भी तत्व होगा उसका जो चलने का तरीका होगा वो क्या होगा, क्रम होगा, और जो उसके ऊपर लदा होगा वो क्या होगा, भार होगा, या द्रव्यमान होगा या परमाणु मास होगा, ठीक है। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कि तत्व क्या क्या है, तो तत्व का नाम क्या है। तो आप लोग जैसे जानते ही हैं कि अभी हम लोगों ने लिखा था इसमें कि इस तत्व का क्या नाम है, बेरिलियम। बेरिलियम अगर इंग्लिश में देखें तो क्या होगा, बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम, ठीक। तो ये हो गया, और इसका क्रमांक कितना होगा, क्रमांक यहाँ पे देख ही रहा है कि कितने क्रमांक है, 4 क्रमांक है, ठीक है। इस तत्व का, इसके बेरिलियम के परमाणु का जो क्रमांक होगा वो कितना है, वो 4 है, यहाँ पे दिख रहा है। परमाणु भार कितना होगा, तो उस परमाणु का कितना भार होगा, 9 भार होगा। अब 9 क्या होगा, 9 को अगर देखेंगे तो केवल 9 नहीं लिखा जाता है, उसको उसके आगे लिखा जाता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसको मैंने शॉर्टकट में AMU लिख दिया है, होता क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अगला देखते हैं तत्व का प्रतीक, प्रतीक क्या है, BE को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका, इस तत्व का प्रतीक है, किस तत्व का, बेरिलियम तत्व का, ठीक। और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी एच एल वाइक्लो लिंडेल किया था। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे बन जाएगा 1s2 और क्या बन जाएगा, 2s2, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। देखेंगे तत्वों के जो इसका क्रमांक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वो कितनी है, 2, 2, 4 है, ठीक है। ओके, इसको मैं रफ करता हूँ, अगले वाले पे चलते हैं हम लोग। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, बेरिलियम है, बेरिलियम का जो नाम होगा तो बेरिलियम ही होगा, जो कि इंग्लिश में भी बेरिलियम बोलेंगे। परमाणु क्रमांक कितना है, तो यहाँ पे 4 परमाणु क्रमांक है, यहाँ पे परमाणु भार कितना है, तो 9 एटॉमिक मास यूनिट है। और इसका तत्व के प्रतीक देखेंगे तो BE ही है, और इस तत्व की खोज किसने किया था, तो HL वाइक्लो लिल ने किया था, ठीक है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 होगा, ठीक है। अब इसको मैं रफ करता हूँ और इसके बाद दूसरे वाले तत्व पे चलता हूँ। और इसको तो मैं लिखा रहने देता हूँ क्योंकि सारे लोगों का यही देखना है, इसलिए मैं इसको लिखा रहने देता हूँ। अगला क्या है, बेरिलियम हो गया हमारा, अगला हमारा है मैग्नीशियम, ठीक है। Mg को अगर लिखा जाएगा तो किस तरीके से लिखा जाएगा, Mg में होते हैं उसके परमाणु क्रमांक जो होते हैं, 12 परमाणु क्रमांक होता है, और इसका Mg का जो परमाणु क्रमांक होता है 12 होता है, इसका जो भार होगा वो कितना होगा, 24 होगा। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं, क्या नाम है, इसका नाम जानते ही हैं आप लोग क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम,
इंग्लिश में देखें तो क्या नाम होगा, इंग्लिश में नाम होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। अब इसका परमाणु क्रमांक देखेंगे कितना है, परमाणु क्रमांक है 12 और जो परमाणु भार है वो कितना है 24 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये हो गया, प्रतीक क्या है Mg, साफ साफ दिख रहा है कि Mg है प्रतीक। और इसके खोज किसने किया था, तो इसके इस तत्व की खोज किसने किया था, मैग्नीशियम की खोज आपके डेवी ने किया था। डेवी कई तत्वों की खोज कर चुके हैं, आप लोग जानते ही हैं कि ये किसके कहाँ के रहने वाले हैं, ये हैं UK के रहने वाले। और इसको किस सन में किया था इन्होंने खोज, ये किया था 1808 ईस्वी में। ये हो गया, तो एटॉमिक विन्यास अगर देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 12 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसी परमाणु क्रमांक को ही हम लोग परमाणु क्रमांक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बोलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 12 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा s1s2 2s2 2p6, कितने हो गए, 2 2 4 2 5 10 हो गया, और यहाँ पे आ गया 3s2, ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग पिछले वाले में, इस वाले में हम लोगों ने पाया क्या पाया कि इस वाले में था 2s2। अगर इस वाले में लास्ट में हम लोगों ने देखा क्या है, यहाँ पे है 3s2, ये है, ठीक है, ये हो गया दूसरा, ठीक है, ये हो गया। तो Mg का जानते ही हैं आप कि मैग्नीशियम जो था, ये मैग्नीशियम जो कि सेकेंड ए ग्रुप का सेकेंड तत्व है, वो उसमें है Mg यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाम है इसका। इसको मैग्नीशियम को इंग्लिश में लिखेंगे MAGNESIUN, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 12 है। इसको ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक संख्या भी बोलते हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक या उसके इलेक्ट्रॉनिक संख्या भी कितने हैं, 12 है। इसमें परमाणु भार कितना है, 24 AMU है। और इसके प्रतीक क्या है, Mg है। इसकी खोज किसने की थी, जो डेवी ने की थी। ये कहाँ के रहने वाले, UK के रहने वाले। और इन्होंने जो UK में कितने सन में किया था, तो 1808 ईस्वी में इन्होंने मैग्नीशियम की खोज कर ली थी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ, 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगले पे हम लोग चलते हैं, तो अगला क्या है, ये है कैल्शियम। अगला हमारे लोग का आएगा कैल्शियम, जो कि हम इसको रफ करके निकालते हैं, ठीक है। अगला है हमारे लोग का कैल्शियम। अब कैल्शियम का जो है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, का परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो 20 होगा। तो इस तरीके से 20 हम लोग लिखेंगे। और इसका परमाणु भार कितना होगा, तो परमाणु भार होगा 40, ठीक है। तो ये तत्व ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो तत्व का नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका कैल्शियम। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप कैल्शियम, कैल्शियम तत्व का नाम क्या हो गया, कैल्शियम। अगर इंग्लिश में देखें तो क्या होगा, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, ये हो गया। परमाणु क्रमांक अगर देखें तो इसमें परमाणु क्रमांक कितना दिख रहा है आपको, 20 दिख रहा है, परमाणु क्रमांक की 20 दिख रहा है ना। और यहाँ पे परमाणु भार कितना दे रहा है, 40, परमाणु भार 40 दे रहा है। 40 क्या है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। प्रतीक क्या है इसका, Ca है प्रतीक है। अगर इसकी खोज देखें तो इसकी भी खोज किसने की थी, तो डेवी ने ही की थी। तो इसकी भी खोज किसने किया, डेवी ने किया, डेवी जो कि कहाँ के रहने वाले थे, यूके के, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं ना इसको, फुल फॉर्म यूनाइटेड किंगडम। तो इसकी खोज कब की थी, तो इन्होंने इसकी भी खोज कब की, 1818 ईस्वी में, ठीक है, ये हो गया। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो वो देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2
टू एस टू आगे होगा इसका वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री एस टू थ्री पी सिक्स और फोर एस टू ये हो गया ठीक है। हाँ ये हो गया। तो इसमें अगर देखें तत्वों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन लेते हैं, देखते हैं है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया दस, देखिए दो दो चार छः दस, दो दो चार छः दस, ये दस दस बीस टोटल हो गया ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। तो ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितने भी करेंगे आप लोग, सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरीके से आप लोग भरते चले जाएंगे। अगर इसका आपको नहीं पता है कि कैसे भरा जाता है, तो इसके लिए मैंने एक आप लोगों को वीडियो बना के दे चुका हूँ मैं, जिसको हम लोगों ने किसके नाम से दिया हुआ है, हम लोगों ने दिया है अबाउ के सिद्धांत के नाम से। उसके एटॉमिक विन्यास उनके नाम से हम लोगों ने करना शुरू किया था। तो आप लोग उसको पिछली कक्षा में जाके, पिछली क्लास में जाके देख लीजिएगा पिछले वीडियो पे, तो उसमें आप लोगों को दिखेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ और इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा कि कैसे इसको निकाला गया, क्योंकि मैंने इसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो दे रखा है ठीक है। तो इसलिए इसको वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैल्शियम का जो है परमाणु क्रमांक, कैल्शियम का लिखने का तरीका ऐसे है कि 20 कैल्शियम 20 सी ए 20 सी ए 40 ये है 20 सी ए कितना 14 तो ये लिखा हुआ है 40 ठीक है 40 है 14 नहीं है 14 यानी 14 और 40 मतलब 40 मतलब 40 यानी कि 40 को 14 बोलते हैं। तो तत्व के नाम क्या है, तो तत्व का नाम इसमें देख ही रहे हैं कि आपका तत्व का नाम सी ए है, सी ए का मतलब कैल्शियम होता है और इसका परमाणु क्रमांक 20 है। इसके परमाणु भार जो है, इसके जो भार है वो क्या है 40 है। प्रतीकों का प्रतीक अगर देखा जाए तो कैल्शियम सी ए है और इसकी खोज किसने किया था, डेवी ने किया था। कब किया था, यूके में। डेवी जो यूके के हैं वो उन्होंने किया था 1808 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 और लास्ट में 4s2 हो जाता है। तो ये हो गया आपका कौन सा, कैल्शियम। अगला हम लोग देखेंगे कैल्शियम में अगर देखा जाए तो लास्ट में हमको क्या मिला, यहाँ पे लास्ट में मिलता है हम लोगों को 4। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैल्शियम का जो मिला, क्या मिला कैल्शियम का, तो कैल्शियम का हमको मिला है 4s2 ठीक है। ये देखिए लास्ट में मिला है ना 4s2, तो इसी को मैंने लास्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे केवल लास्ट पे दिख रहे हैं कि क्या है, क्योंकि इसी को हम लोग, इसी को अगर देखा जाए तो इसी को दो नामों से आप लोग जानते ही हैं कि सेकेंड ए नाम से भी बोला जाता है और सेकेंड ग्रुप भी माना जाता है। और अगर देखा जाए तो इसको s2 ग्रुप भी बोला जाता है ठीक है, s2 ग्रुप भी बोला जाता है। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो तत्व के लास्ट में आता है वो क्या आता है, H2 आता है। अभी इस पर देखेंगे तो इसमें भी H2 आएगा, इसमें भी देखेंगे इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी ठीक है। तो इसके लिए हम लोग आगे वाला भी देख लेते हैं, जिससे कि हमको पता चल जाए कि सच में आ रहा है कि नहीं आ रहा ठीक है। चलिए रफ कर देते हैं इसको। अब हम लोग देखेंगे ये वाला, तो इसमें क्या होता है ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं आपका, यहाँ पर ले आके तो यहाँ पे एस आर है ना, ये क्या है एस आर। अगर इसका प्रमाण क्रमांक देखें तो कितना होता है 38 होता है 38, और इसका अगर भार देखें तो कितना होगा 87 ठीक है, 87.62 होता है, लेकिन हम लोग 87 ही केवल लिखते हैं ठीक है। अगर देखा जाए तो इसका परमाणु भार कितना होता है, अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग, चलिए कोई नहीं 87 होता है, लेकिन 87.62 होता है, लेकिन हम लोग इसको लिखते हैं 87 ठीक है। तो ये हो गया परमाणु तत्वों का नाम क्या है इसका, तो इसका नाम है आपका स्टांसियम ठीक है, स्टांसियम ठीक है, स्टांसियम
अगर इंग्लिश में देखें तो बोलेंगे इसको ऐसे कुछ स्टॉन्सियम। ठीक है, स्टॉन्सियम ये हो गया। अच्छा, इसको लाइन खींचने की जरूरत नहीं थी, फर्जी लिख दिया। चलिए स्टॉन्सियम, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 38 होगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और इसका परमाणु भार कितना होगा? 87.62 AMU इतना होगा। लेकिन हम लिखेंगे अगर यहाँ पे, अगर कहीं पे भी लिखा दिखेगा तो वो केवल 87 ही लिखा दिखता है, ठीक है। उसके बाद में उसके लिए आप चिंता न करिए, सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि ओवरहॉलिंग इतना ही होगा, लेकिन इसको जो है एक्स्ट्रा लिखा जाता है कि कितना होता है, एक्चुअली में कितना होता है वो यहाँ पर दिखा दिया जाता है। इसका प्रतीक क्या होगा? तो प्रतीक होगा SR, ठीक है, SR। और इसका खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है की थी क्रुक्सिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी इसकी खोज, जो कि कहाँ के थे? ये भी थे यूके के ही, यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है। क्रुक्सिंग, ठीक है। इसके लिए आप लोग, ये कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके नाम याद करने में भी थोड़ा कठिनाइयाँ पड़ती हैं, इसलिए केवल याद क्या मेमोरी में रखी रहती है, तो इसलिए हम लोग को याद लिख लेते हैं तो उसके बाद याद करते हैं। कभी आपको भी ऐसा कोई दिक्कत हो तो आप लोग भी पहले लिख लीजिएगा, फिर उसको बोल दीजिएगा, तो वही चीज़ होती है क्रुक्सिंग, ठीक है। क्रुक्सिंग कहाँ के थे? यूके के थे। और इसका अगर देखें कि इन्होंने कब खोज की थी, तो इसकी इन्होंने खोज की थी 1787 ईस्वी में, इसकी खोज कर दी थी इन्होंने, ठीक है। कुछ चीज़ों की खोज पहले हो गई थी और कुछ चीज़ों की बाद, वो जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई उसके बाद किस तत्व का कितना परमाणु क्रमांक है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उसके आधार पे पीरियाडिक टेबल या आवर्त सारणी में रखा गया है, ठीक है। पीरियाडिक टेबल या आवर्त सारणी में रखा गया है उन तत्वों को। इसलिए आप लोग ये मत कहिएगा कि सर इसकी खोज तो बहुत पहले हो गई थी, उसकी खोज बहुत पहले हो गई है, तो उसको अभी क्यों लिखा गया, उसको पहले क्यों लिखा गया, उसको बाद में क्यों लिखा गया है। तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी उसी के आधार पर उसका तत्वों को रखा गया है, वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो ये है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा किसका? स्टॉन्सियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कितना होगा? तो वो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। फोर एस टू के बाद क्या आता है? 3d आता है, आप लोग जानते ही हैं। 3d10 होता है, 3d10 हो गया। उसके बाद क्या आएगा? 4p6 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? 5s2 आ जाएगा, 5s2, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला? यहाँ पे हमको मिल गया 5s2, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या मिला? यहाँ पे मिल गया 4 लिख दिया क्या मैंने, 5s2 ये आ गया, ठीक है। अब अगला वाला हम लोग देखते हैं कि अगले वाले में क्या होगा। तो अब हम लोग देखेंगे Ba, इसके बारे में देखेंगे यहाँ पे, आगे देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको ड्राफ्ट करूँ, नहीं पहले इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो है SR जो है उसको क्या लिखा गया है, यहाँ पहले ही बना दिया क्या? हाँ, तो यहाँ पे जो SR है वो कहाँ पे है? ये SR को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉन्सियम बोलते हैं, जो इसको इंग्लिश में भी स्टॉन्सियम बोलते हैं। ये T लिखा हुआ है, इसको और कुछ ना समझ लीजिएगा, ये केवल और केवल क्या लिखा है? T लिखा है, STRONTIUM, स्टॉन्सियम, ठीक है। तो स्टॉन्सियम है और इसके परमाणु क्रमांक कितने हैं? 38 हैं। इसके परमाणु भार कितने हैं? 87.62 है, AMU है, लेकिन हम जब लिखते हैं तो इसको 87 सरल
गुणे को सरल करने के लिए ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। और इसके देखिए तत्व का प्रतीक क्या होगा, एस आर होगा। इसके तत्व की खोज किसने की थी, क्रुक्सिंग ने की थी, जो कि क्रुक्सिक ने की थी, जो कि कहाँ के हैं, यूकी के हैं। 1787 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज कर ली थी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6 5s2 ये होगा, ठीक है, ये हो गया। अगर देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनना है आपको, तो गिन लीजिए। ये देखिए 2 2 4 और 2 6, यहाँ पे देखेंगे 2 2 4 और ये 6, तो 10 10 हो गया। यहाँ पे ये 10 हो गया और यहाँ पे ये 10 हो गया, 10 10 20 हो गया, ये 10 10 ये है, 10 30 हो गया, और यहाँ पे कितना बचा, ये है आपका 8, तो 10 10 20 10 30 8 38, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया, इसको इसके बाद हम लोग इसको रफ करते हैं और अगले वाले पे चलते हैं हम लोग। अब अगले वाले पे देखें तो ये वाला आएगा आगे बढ़ के, और यहाँ पे जब देखेंगे हम लोग तो ये होगा Be, बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम को अगर देखें तो कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 56 होगा, और इसका परमाणु भार कितना होगा, 137, ये होगा 37.33 होता है, लेकिन हम लोग इसको लिखते हैं 137, यानी कि 137, ठीक है, ये हो गया। तो अगर इसका देखें कि नाम क्या होगा इसका, तो इसके नाम पे हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे बेरियम, ठीक है, बेरियम। अगर इंग्लिश में देखें तो क्या लिखेंगे, BARIUM, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसका परमाणु क्रमांक देखें तो इसके परमाणु क्रमांक को हम लोग यहाँ पे कितना लिखे हैं, 56, और इसका परमाणु भार कितना है, 137.33 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ये हो गया। इसका प्रतीक देखें तो Ba है इसका प्रतीक। इसकी खोज किसने की थी, तो डेवी ने की थी इसकी खोज, डेवी वही डेवी हैं जो कि अभी पिछले वाले में देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए आप टेंशन मत रहिए, काफ़ी डेवी एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो कि आवर्त सारणी के काफ़ी तत्वों की खोज इन्होंने अकेले की थी, ठीक है। तो ये कहाँ के थे, ये अभी हम लोगों ने देखा था, यूके के थे, किस सन में किया था, तो इन्होंने इसकी खोज भी 1808 ईस्वी में कर दी थी, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि डेवी काफ़ी बार नाम आ रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 के बाद क्या आया, 3d 10, उसके बाद क्या आया, 4p6 4p6, उसके बाद क्या आया, 5s2, फिर उसके बाद क्या आया, 4d 10 4d 10, फिर उसके बाद क्या आएगा, 5p6, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद आएगा 6s2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल गया, यहाँ पे हमको मिल गया 6s2, ठीक है, 6s2 ये मिल गया हम लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जान गए कि हम लोगों का जो अगला वो जो तत्व है वो क्या है, बेरिलियम है, और इसका जो परमाणु क्रमांक अगर लिखने का ढंग देखें तो ये रहेगा, लिखने का तरीका ये रहेगा, और इसमें देखें तत्वों का नाम बेरिलियम जो कि हम लोग लिखा हुआ है, परमाणु क्रमांक जो है 56 है, इसका परमाणु भार कितना है, 137, यानी कि 137.33 AMU है, और इसका प्रतीक देखेंगे तो Ba होगा,
ठीक है। और तत्व की खोज किसने की थी, तो डेवी ने की थी। कब की थी, यूके यूके डेवी जो है यूके के थे, इन्होंने यूके में की थी। और कब किया था, तो 1808 ईस्वी में किया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6 और 6s2 ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें इसके संख्या गिनना हो तो आप गिन सकते हैं। देखिए गिनते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉनिक संख्या सही है या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं 10 है ये इलेक्ट्रॉनिक संख्या, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे भी 10 है, 10 10 20 10 30, और यहाँ पे ये 40 है, और ये इसको इसको और इसको मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना बचेगा, 10 यहाँ पे हो गया, 1 2 और 3 को मिलाने पे हमको 10 मिल गया, और ये कितना है, 6 ये है, तो यहाँ पे 6। अब देख लेते हैं, हम गिन लेते हैं कि कितना है तत्व, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो 10 10 20 यहाँ पे है, 10 30 10 40 10 50 और 6 56, ठीक है। तो ये हो गया, सारे हो गया। उसके बाद अगले वाले में चलते हैं अब हम लोग, जो कि है क्या, ये है ना Ra रेडियम, ठीक है, Ra रेडियम। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं इस, ठीक है। तो अब चलते हैं रेडियम को देखते हैं, उसके क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या नाम होता है, उस तत्व का नाम क्या है। तो तत्व का नाम तो हम खुद ही बता रहे हैं कि रेडियम है, ठीक है। उसके वैज्ञानिक कौन थे और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से होगा, तरीके से होगा क्या, सारी चीज़ें हम लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ओके। अब देखें तो ये वाला तत्व आएगा मालो का, यहाँ से ऐसे मुड़ा दो, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये। अब इस तत्व को अगर देखें, आर ए जो कि है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 88, और परमाणु भार देखें तो 126, ठीक है, 126, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हम लोग देखेंगे कि हमारा नाम क्या है, रेडियम, ठीक है। अगर इंग्लिश में देखें तो रेडियम ऐसे लिखा जाएगा, रेडियम, ये हो गया। अब रेडियम हो गया, तो परमाणु क्रमांक देखेंगे तो परमाणु क्रमांक हमको यहाँ पे मिल ही रहा है कि 88 है, परमाणु भार देखें तो कितना मिला हमको, 226, मतलब 226, ठीक है। अब प्रतीक देखें तो Ra है प्रतीक है इसका, यहाँ पे Ra है ना, हाँ Ra, ठीक है, उसको मिस प्रिंट हो गया होगा वहाँ पे लिखते समय, Re नहीं Ra होगा, ठीक है, ठीक Ra हो गया। और इसकी खोज देखें तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था ना हम लोग ने Ra, लेकिन यहाँ पे मिस हो गई थी, चलो कोई नहीं। अगर खोज देखें तो खोज किसने किया था, आप लोग के मैडम क्यूरी का नाम सुना है, मैडम क्यूरी सुना होगा, तो उन्होंने ही किया था, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, दो नाम इनका है, एक है पियरे क्यूरी, जिनको हम लोग मैडम क्यूरी कहते हैं, मैडम क्यूरी, ठीक है, ये की थी। और इनके साथ एक और मिले थे, उनका नाम था, एक और थे उनका नाम था ब्रेमोंड, ठीक है, ब्रेमोंड। तो इन्होंने जब की थी तो उस सन ये कहाँ के रहने वाले हैं, अच्छा मैडम क्यूरी और ब्रेमोंड कहाँ के रहने वाले थे, ये थे फ्रांस के रहने वाले। और इन्होंने जो खोज की थी वो किस सन में की थी, वो की थी इन्होंने, हाँ 1898 ईस्वी में इसकी खोज कर दी थी इन्होंने। अब इन्होंने खोज इतने में कर दी थी, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
उसके आगे 4S2, 4S2 के बाद 3D आता है, 3D10, उसके बाद आपका आता है 5S2 ना, नहीं 4P6, आगे देखेंगे तो क्या आएगा 4P6 के बाद 4P6 के बाद 5S2 4D10, फिर उसके बाद आया 5P6, फिर उसके बाद 5P6 के बाद 6S2, फिर उसके बाद 4F14, उसके बाद 5D10, फिर उसके बाद 5D10 के बाद क्या आएगा, 5D10 के बाद आएगा आपका 6P6, फिर उसके बाद आएगा 7S2। ठीक है, यहाँ पे हमको मिल गया क्या, 7S2 मिल गया, यहाँ पे हमको मिल गया 7S2। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कितना मिल गया, यहाँ पे मिल गया 7S2, ये हो गया। तो इस रेडियम के लास्ट में आपका मिला 7S2, ये लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे, देखिए S2 यहाँ पे भी है, 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 S2 यहाँ पे भी है और S2 यहाँ पे भी है, तो सभी जगहों पे S2 है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, S2 ग्रुप भी बोलते हैं, या सेकेंड ग्रुप भी बोलते हैं, या सेकेंड ए ग्रुप भी बोलते हैं। तो अब इसके बारे में आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि RA से इसको प्रदर्शित R88 RA 226, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, 226 इस तरीके से इसको लिखा जाता है। और ये लिखा क्या है, तो ये लिखा हुआ है इस तत्व का नाम है रेडियम, रेडियम को इंग्लिश में भी रेडियम बोलते हैं, और इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो कितना है, 88 है, मतलब 88 है, ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि 88 है, 88 है। परमाणु भार देखेंगे तो 226 है परमाणु भार, ठीक है, 226 परमाणु भार है। तत्व के नाम देखें तो RA इसका प्रतीक है, तत्व का प्रतीक क्या है, RA यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तत्व की खोज किसने की थी, तो पियर क्यूरी या मैडम क्यूरी, उन्हीं का नाम है पियर क्यूरी या मैडम क्यूरी, इन्हीं का नाम है, और ब्रेमोंड, और जो कि ये कहाँ के थे, ये फ्रांस के थे, और दोनों लोग फ्रांस के थे, और फ्रांस में इन्होंने कब की थी खोज, तो 1898 ईस्वी में इसकी खोज कर दी थी। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो होगा 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10 4P6 5S2 4D10 5P6 6S2, और उसके बाद होगा 4F14 14 4F14 5D10, उसके बाद होगा 6P6 और लास्ट में आपका 7S2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जान गए कि हमारे का जो तत्व हैं सभी तत्व, उसमें उसके लास्ट में क्या रहा है, 2S2 आ रहा है, क्या रहा है, S2 आ रहा है। यहाँ पे अगर कॉमन देखें तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे सभी जगहों पे आप कॉमन देखिएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपका S2 कॉमन आएगा, सभी जगहों पे S2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये S2 कॉमन आ रहा है, इसीलिए इसको S2 ग्रुप भी बोलते हैं, सेकेंड ग्रुप भी बोलते हैं, और सेकेंड ए ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये रहा हमारे लोग का पीरियोडिक टेबल का, यानी कि आवर्त पीरियोडिक टेबल का, यानी कि आवर्त सारणी का जो है सेकेंड ग्रुप हम लोगों ने कर लिया। अगले वाले में हम लोग देखेंगे पी वाले ग्रुप का, जो प्री ग्रुप में है, पी फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, यानी कि पी फर्स्ट। आप लोग ये तो जानते ही हैं कि इस आवर्त सारणी में आपको जो रखा हुआ है, तो पहले ही ब्लॉक में, पहले ग्रुप में लिखा हुआ है क्या, S1 ग्रुप, जितने भी हैं सारे S1 ग्रुप के हैं। दूसरे वाले में क्या है, S2 ग्रुप के हैं। तीसरे वाले में तो छोड़ दीजिए अब इधर, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपका मिलता है पी फर्स्ट ग्रुप, यहाँ पे मिलेगा पी सेकेंड ग्रुप, यहाँ पे मिलेगा पी फोर्थ ग्रुप, पी थर्ड ग्रुप, और फिर मिलेगा पी फोर्थ ग्रुप, फिर मिलेगा पी फाइव ग्रुप मिलेगा, और जो पी सिक्स ग्रुप होगा
उसी को हम लोग बोलते हैं ओ ग्रुप भी बोलते हैं, और ये रहेगा P6 ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, और बीच में जो मैंने देखा छोड़ा हुआ है ये क्या होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डी ग्रुप। डी ग्रुप में कितने होंगे, D1 ग्रुप, यहाँ पे अगर देखेंगे D1 ग्रुप, D2 ग्रुप, और क्या होगा D3 ग्रुप, यहाँ पे होगा D4 ग्रुप, यहाँ पे होगा D5 ग्रुप, D6 ग्रुप, D7 ग्रुप, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा, D8 होगा, D8 हो गया, D9 होगा, और D10 होगा। इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे इतना होने के बाद क्या होता है कि जो जितने भी तत्व ये हो गए यहाँ पे ग्रुप में आ गए, उसके बाद जो बचा हुआ ग्रुप होता है एक यहाँ पे ऐसे दिखेंगे आपको, तो वो कौन सा ग्रुप होता है, तो वो ये याद रखिए आप कि ये होता है F ग्रुप का, यानी कि F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर F में आप लोग जानते होंगे तो शायद मैंने आपको पढ़ाया था, देखे होंगे तो अच्छी बात, नहीं देखे होंगे तो फिर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए S ग्रुप में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S कक्षक को भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या की आवश्यकता पड़ती है, तो जो कि यहाँ पे 2 रखा हुआ है। पी ब्लॉक में हम लोगों ने हमेशा 6 ही क्यों लिखा, क्योंकि उसके जो कक्षक होते हैं उसको भरने के लिए हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होते हैं, ठीक है। और डी में 10 क्यों हैं, तो डी को 10 इसलिए कहा गया है क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन ही भर जाते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने 10 इलेक्ट्रॉन रख दिए। इसी तरीके से एफ ब्लॉक होगा, तो एफ ब्लॉक में कितने होते इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ ब्लॉक में मैक्सिमम जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है, इसलिए इसके जो खंड होंगे वो कितने भाग होंगे, 14 होंगे, कुछ इस तरीके से ऐसे 14 हो जाएंगे। तो जिसको बोला जाएगा F1 ग्रुप, F2 ग्रुप, F3 ग्रुप, F4 ग्रुप, F5 ग्रुप, F6 ग्रुप, F7 ग्रुप, F8 ग्रुप, F9 ग्रुप, ये कौन सा होगा, F10 ग्रुप हो जाएगा, और क्या होगा ये कौन सा होगा, F11, F12, F13, और लास्ट में बचेगा ये F14, ये हो गया। तो इस तरीके से सारे तत्वों को रखा गया है आवर्तारिणी में। तो इन सारे तत्वों को आप लोग याद करते रहिएगा, जो कि मेरी वीडियो से आप लोगों को मिल रही होगी, आप लोग इसको याद करते जाइए, और जैसे जैसे आप लोग याद करते जाएंगे एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन आपको सारे तत्वों के नाम याद रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग, मैं इसी के साथ में इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि कौन सा क्या देखेंगे हम लोग अगली क्लास में। हम लोग यहाँ पे देखेंगे P1 ग्रुप के एलिमेंट के बारे में, और उनके प्रतीक, उनके तत्व को किस क्या कहते हैं उसको, किस ट्रिक के माध्यम से हम लोग उसको याद करके रख सकते हैं, वो चीज़ हम लोग वहाँ पे देखेंगे। अगर देखा जाए तो ट्रिक यहाँ से यहाँ तक तो मिल जाएगी, यहाँ पे नीचे वालों की नहीं मिलती है, और एक लास्ट में कुछ ऐसे तत्व होंगे जो कि ट्रिक नहीं होती है, उनके नाम से ही हम लोग जानते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, और जिससे हमारे लोग का हौसला बढ़ता जाए, और हम लोग देखते रहें कि कितने अधिक से अधिक लोग हमको लाइक कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों को और अच्छी से अच्छी वीडियो देनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, मैं चलता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।